नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में आज अनंत प्रयास संस्था के सहयोग से बीआईटी सिद्री में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान 21 विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किया। उक्त अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों के अथक परिश्रम एवं त्याग का ही परिणाम है कि आज हमारे देश में उच्च स्तर के संस्थान उपलब्ध है और अब वहाँ उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बीआईटी सिंदरी का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के विद्यार्थी देश विदेश में अपनी प्रतिभा से उच्च संस्थानों में कार्य कर रहे हैं। ये उनका अपने शिक्षण संस्थान के प्रति निष्ठा ही है कि वो अपने शिक्षण संस्थान को नहीं भूले हैं और अनंत प्रयास संस्था के माध्यम से यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों को लैपटॉप उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं तथा इनसे प्रेरित होकर अन्य लोग एवं बोकारो महिला समिति द्वारा भी विद्यार्थियों को लैपटॉप उपलब्ध कराया गया है। इस पुनित कार्य के लिए सभी बधाई के पात्र हैं। राज्यपाल महोदय ने विद्यार्थियों को कहा कि जिस प्रकार आपको शिक्षण के लिए सहायता प्राप्त हो रही है, अपेक्षा है कि आप भी उसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात समाज की मदद करेंगे। मदद के बिना कई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए अत्यावश्यक सुविधा नहीं मिल पाती है और समाज उनकी प्रतिभा के लाभ से वंचित रह जाता है। अतः हम सबका दायित्व है कि हम न सिर्फ समाज एवं राष्ट्र बल्कि मानवता के प्रति भी हम हर संभव योगदान दें। राज्यपाल महोदय ने कहा कि हमारे देश में विगत दिनों आर्थिक गतिविधियां बढ़ी है जिसका समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्साहवर्धन से हमारे वैज्ञानिकों ने अल्पलय समय में कोविड का टीका विकसित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व के कई देशों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराकर विश्व बंधुत्व मानवता की भावना का परिचय दिया। उनके नेतृत्व में हमारा देश वर्तमान में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है तथा 3री अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।